नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, मेरे एक व्यूअर हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फिर वो मदरबोर्ड पे काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन है। तो एक्चुअली लैपटॉप के मदरबोर्ड के ऊपर वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बस वही आज जो उनका जो इशू है उसके बारे में मैं आज आपको एक ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि उनके मदरबोर्ड में एक तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये ऑप्टिकल ड्राइव भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये उनका कहना है कि ये साउथ ब्रिज का इशू लग रहा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। और ये जो डिवाइसेस है ये भी रिलेटेड टू साउथ ब्रिज ही है, ठीक है। तो अभी उनका कहना है कि इसे रिवॉल्व करवाना चाहते हैं, लेकिन रिवॉल्व करने से पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको रिवॉल्व नहीं करना है। पहले आपको जो साउथ ब्रिज है उसे सिर्फ नॉर्मली आपको हीट करना है। नॉर्मल हीट करने पर भी आपका प्रॉब्लम जो है 90% सॉल्व होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन क्या आपने बायस में सब चेक किया है? वहाँ पे आप एक बार चेक कर लो, कहीं बायस में तो कोई कुछ सेटिंग्स तो आपसे रह तो नहीं गई है, ये भी आपको चेक करना है एक बार आप वो चेक करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमें मदरबोर्ड पे काम करना है। डायरेक्टली करेंगे तो वो बेटर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बायस से इशू है तो फिर मदरबोर्ड पे काम करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको उसका जो ट्यूटोरियल है साउथ ब्रिज को कैसे आपको रीहॉट करना है, क्योंकि रीहॉट करने से ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है, ठीक है। तो रीहॉट करना ईजी है, बस आपके पास एक बीजे रिवर स्टेशन होना चाहिए। वो मतलब छोटा अपना जो छोटा सा एसएमडी रिवर स्टेशन जो होता है वो भी अगर आपके पास रहेगा तो भी चलेगा, आपके पास हॉट एयर गन रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन में अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ है तो भी आपका काम बन सकता है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीप को हीट देने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक चीप पर हमें कितना हीट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं पहले आपको समझाता हूँ, देखिए अभी शुरुआत में हम 70-90 डिग्री तक हमें वो चीप को हीट करना है, ठीक है, 70-90 डिग्री तक। और उसके बाद आपको 90-120 डिग्री तक, ठीक है, 120 डिग्री तक आपको आप हीट करना है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है धीरे धीरे, आपको पहले उसको थोड़ा सा हीट करो, उसके बाद चेक करो, उसके बाद फिर से रीहॉट करो, फिर उसको चेक करो, थोड़ा और हीट बढ़ाओ, ऐसे आपको धीरे धीरे करते जाना है, आपको डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं वो कैसे करना है। तो देखिए अब ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एक मदरबोर्ड है और ये हमारा साउथ ब्रिज है, ठीक है। देखिए अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको अभी रीहॉट करना है, ठीक है, लेकिन रीहॉट करने के लिए ये जो चिप है इसके सराउंडिंग में यहाँ पे, ठीक है, तो हमें जो है जो एल्यूमिनियम पेपर जो आता है ना वो हमें यहाँ पे लगाना होता है, और सिर्फ ये आईसी छोड़ के यहाँ पे लगाना होता है ताकि इसके बाजू वाले जो कंपोनेंट्स है इसे कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो अभी कैसे करना है आपको कि देखिए अभी आप मतलब जो मेटेलिक जो होता है, ठीक है, पेपर जैसा वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं इस पेपर का यूज़ करूँगा। देखिए ये टेप है,
लेकिन जब मैं इसे हिट दूंगा तो ये थोड़ा बहुत जल भी सकता है, लेकिन अभी ये एक्चुअली लॉकडाउन है तो बहुत सारे अभी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो इसके वजह से अभी मैं ये जुगाड़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे दोस्त हैं व्यूअर हैं उनको मेरे को ये दिखाना है, इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक है ठीक है, इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद देखिए ये फ्लक्स होता है, ये इसे असेंबली फ्लक्स कहते हैं, ये मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये अवेलेबल करना पड़ेगा। ये जो फ्लक्स है ये असेंबली फ्लक्स है, बस इस फ्लक्स को जो है आपको इस चिप के ऊपर लगा देना है। तरह से जो है आपको लगा देना है, मेरा मोबाइल आ गया है। ठीक है, अब ये जो चिप है, अभी मैंने जो मेरा असेंबली वर्क स्टेशन है ठीक है उसका जो टेम्परेचर है मैंने अभी वो 70 डिग्री पे मैंने सेट कर रखा है, तो पहले तो मैं अभी इसे 70 डिग्री तक मैं अभी इसे हिट दूंगा और उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं उसे बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, देखिए आपको जो ये ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है ठीक है, चिप को हिट देते समय आपको ऐसे देना है, ये जो ब्लैक पोर्शन आपको जो दिख रहा है ना इसको ज़्यादा हिट बिल्कुल नहीं देना है, बस ऊपर की तरफ ऐसे हिलाते देना है और बाकी आपको जो हिट देनी है वो आपको साइड से देनी है। ठीक है, ये जो साइड से ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है वहाँ से मैं हिट इसको ज़्यादा दे रहा हूँ, बाकी जो हिट है मैं इस पोर्शन पे बहुत ही कम हिट देना है, आपको ज़्यादा नहीं देना है, देना है लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी चिप को जितना अभी मिनिमम हीट चाहिए मैंने उतना दे दिया है, अभी इसको हाथ नहीं लगाना है कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, और ऐसे रख के इसका सब ये जो मैंने लगाया अभी टेप ये सब मैं निकाल दूंगा और उसके बाद जो जो चिप होता है मुझे वो क्लीन करना पड़ेगा आईपी के हेल्प से। ठीक है, ये होता है आईपीए, ठीक है ये आईपी इसके ऊपर डाल के मुझे क्लीन कर लेना है ब्रश से। ठीक है, और उसके बाद सब क्लीन होने के बाद आपको फिर इसका मदरबोर्ड का टेस्टिंग करना है, डिस्प्ले या फिर आपका जो डिस्प्ले नहीं आपका जो भी प्रॉब्लम था आपका इसके रिलेटेड टू ये सॉल्व हुआ है या नहीं। ठीक है, और अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको ये फिर से एक बार थोड़ा सा हीट बढ़ा के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये गन होता है ठीक है इसको जो डिस्टेंस है ये कम से कम यहाँ से 5 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर, जो चिप और जो गन का जो ये जो पोर्शन है इसका डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर के उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है,
नहीं तो कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे करते हैं तो उससे आपका चिप जो है वो बर्न हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये आपको केयर यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।